dear students in this module we are going to talk about culture and its different types so culture refers to the complex whole which includes knowledge art belief and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society so there are formally speaking there are two types of culture

जो आपके इर्द गिर्द के माहौल का हिस्सा है आपकी ज़ात का हिस्सा है आपके माइंड या मेंटल प्रोसेसेस का हिस्सा है जो आपके थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा है ये सारी चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा होती हैं इसको दो हिस्सों में देखा जा सकता है जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम मटेरियल कल्चर कहते हैं मटेरियल कल्चर से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ सकती है जिसको आप महसूस कर सकते हैं जिसको आप छू सकते हैं जिसको आप देख सकते हैं वो आपके मटेरियल कल्चर का हिस्सा होती है जो नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा है वो आपके बिलीफ सिस्टम है जो आपके मेंटल प्रोसेसेस के अंदर होते हैं जो आपके माइंड के अंदर होते हैं जो कॉन्सेप्ट की सूरत में या आइडियाज़ की सूरत में आपके जहन में परविश पा रहे होते हैं जैसे आपका बिलीफ सिस्टम है आपके वैल्यूज़ हैं आपके कस्टम्स हैं और जिस तरह से आप सोचते हैं आपके सोचने का अंदाज़ या आपके बिहेव करने का अंदाज़ जो है ये सारा आपके नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा होता है कल्चर uh, के जो दो और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें पापुलर कल्चर है जिसको हम कहते हैं कि इट्स मैस प्रोड्यूस आइटम्स एंड एंटरटेनमेंट दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड इंजॉयड बाय द सोसाइटी पॉपुलर कल्चर से मुराद वो कल्चर होता है जो प्रेवलेंट होता है जो लोगों के अंदर मौजूद होता है जिसको लोग एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो थ्रू मीडिया आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होता है या थ्रू बिहेवियर पैटर्न्स जो है लोगों के बिहेवियर के ज़रिए आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ये उस आइडियल कल्चर के कंट्रास्ट में होता है जो आपके जहन में होता है जो आपके आइडियल्स के अंदर होता है लेकिन हकीकत में शायद वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा होता हाई कल्चर जो है इट्स आर्ट म्यूज़िक लिटरेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस दैट आर कंसिडर टू बी ऑफ हायर क्वालिटी अमूमन जिन कल, जिन वैल्यूज़ को जिन कल्चरल वैल्यूज़ को हाई सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस दी जाती है पर्टिकुलरली थ्रू ए क्लास तो वो हाई कल्चर का हिस्सा होता है जैसे आर्ट के अंदर भी ये देखा जाता है कि कैसे Uh, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं आर्ट की दुनिया के अंदर वो जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं म्यूज़िक की दुनिया के अंदर जो क्लासिकल एस्पेक्ट है या मॉडर्न म्यूज़िक uh, है उसको जो सिग्निफिकेंट पीपल हैं जैसे मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं ये किस तरह से उसको वैल्यू करती हैं तो वो हाई कल्चर का हिस्सा हो जाती है इसी तरह से लिटरेचर है या स्पोर्ट्स है या लैंग्वेज है ये वो सा, इन, इन सब में वो सारे एस्पेक्ट जिनको इंफ्लुशल लोग जो हैं हाईली वैल्यू करते हैं वो हाई कल्चर का हिस्सा होते हैं पाकिस्तान से अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो मटेरियल कल्चर में हमें आर्किटेक्चर ऑफ लाहौर फोर्ट या बादशाही मॉस्क इसको देखा जा सकता है इट्स इस पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर बिकॉज इट्स वेरी मच विज़िबल टू आस नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हमारी जो मेहमान नवाजी है हम जो बड़ों की इज्जत करते हैं और इसी तरह जो पापुलर कल्चर है हमें हम ये देखते हैं कि जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो हमारे कल्चर के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती हैं कि कैसे वो हमारे कल्चर में पॉपुलैरिटी की वजह से रिफ्लेक्ट होती हैं और दो के आइडियली वी डू नॉट लाइक द कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडिया हाउएवर पॉपुलर मूवीज़ और पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज़ दे डू रिफ्लेक्ट दैट पापुलर कल्चर हाई कल्चर के अंदर जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको हाईली वैल्यू वैल्यू किया जाता है आलतों के यूथ में डिसगरी टू दैट और यूथ को जो मॉडर्न म्यूज़िक होता है वो अच्छा लगता है लेकिन मोर वैल्यूबल जो कंसिडर किया जाता है वो उस क्लासिकल म्यूज़िक को कंसीडर किया जाता है जिसको एक ख़ास इंफ्लुनशियल क्लास जो है वो आपके लिए वैल्यू कंसिडर करती है